तो ऊटनी के दूध की साबुन बनी हुई है जो आप साबुन देख रहे हैं। वैसे मार्केट में बहुत सारी आपने साबुन देखी होगी, लेकिन सभी साबुन क्या केमिकल जैसे होती है, लेकिन ये जो साबुन है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और किसी प्रकार का कोई केमिकल यूज नहीं किया गया। इसके बेनिफिट ये कि आप स्किन के ऊपर यदि रेगुलर यूज़ करते हैं तो स्किन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, जैसे कई बार स्किन ड्राई हो जाती है, कई बार स्किन से खून निकलता है, खुजली होती है, तो इसको रेगुलर यूज़ करने से ये बिल्कुल बेनिफिट देगी। आपको वैसे ही मालूम होगा कि कैमल मिल्क उसको पीने से 36 प्रकार की बीमारियां ख़त्म होती है, तो ये तो साबुन है तो डेफिनेट इससे भी कई प्रकार की बीमारियां स्किन से रिलेटेड जो ऊपर होती है उससे भी बीमारियां बिल्कुल इससे क्लियर हो जाएगी। साबुन सबसे अच्छा तो जो स्किन इश्यूज हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को सोराइसिस से किसी प्रकार के केमिकल बेस साबुन से उसको नुकसान होता है तो वो इस साबुन से अपने जो बीमारी है उसको धीरे धीरे कम कर सकता है और उससे निजात भी पा सकता है। वर्तमान में जैसलमेर में एक पेशेंट है जो सोराइसिस से है, मिस्टर वेद प्रकाश। सोराइसिस एक तरीके से स्किन का कैंसर है। अच्छा। जिसमें स्किन जो है वो धीरे धीरे भुरभुरी होकर उतरने लग जाती है और व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है, और लेकिन कुछ ठीक होने के उपरांत भी जैसे ही मौसम बदलता है उस व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव वापस आ जाता है और ये उसके लंबे समय तक रहता है। तो इस चीज को दूर करने के लिए सबसे अच्छा है कैमल मिल्क बेस साबुन। इसके हम देखिए ये ये जो साबुन है जो ऊँटड़ी के दूध से बनी साबुन है, हाँ धीरे धीरे उसको कम किया है पूरा। बिल्कुल, ये तो बहुत अद्भुत चीज है और पहली बार हमने मार्केट में साबुन भी देखी है जो शायद कल्पना नहीं कर सकते कि ये कि ऊँटनी के दूध की साबुन, हाँ। जो हमारा राजस्थान का राज्य पशु भी है, राज्य की पशु, तो ये तो अपने आप में बहुत अद्भुत है भाई। दूध के बारे में तो सुने हैं, हाँ। कि दूध में 36 प्रकार की बीमारी को खत्म कर देता है, लेकिन इसके बिस्किट और ये साबुन आई है तो ये तो अपने आप में बहुत अद्भुत है, एकदम अलग चीज है। क्योंकि हमने लोगों की सहायता के लिए बनाया है, हाँ। ये पीएस टाइप का है, बिना केमिकल का है। अगर इसके अंदर एलोवेरा के साबुन भी है, लेमन साबुन भी है, इसके अंदर प्योर कैमल मिल्क का साबुन है और कुछ कोकोनट वाले भी साबुन है, ताकि लोगों को अपनी फ्रेग्रेंस जैसे उसको उचित लगे उसके हिसाब से वो परचेज कर सकता है। इसे कहीं पे भी हमारी marugandha.com करके कंपनी का एड्रेस है, वहाँ से वो परचेज कर सकता है। अगर किसी हमारे मरुगंधा इंस्टाग्राम पेज है वो उस पर फॉलो करके वहाँ से भी वो इसको ऑर्डर कर सकता है। तो इसकी क्या रेट है? 70 रुपए का है सर, मात्र 70 रुपए। तो रेट भी ज्यादा नहीं है, जिस प्रकार से ज्यादा नहीं है। आप इसकी बेनिफिट बता रहे हैं उस हिसाब से तो रेट बहुत कम है। रेट 70 रुपए दे कोमल साबुन जो कोई भी ये नॉर्मल साबुन जो मिल जाता है। रेट कम होने का कारण है क्योंकि कंपनी सेम आती है, वो सेम प्राइस होती है। हाँ, रेट कम होने का कारण ये है कि हम लोग कोई नो एंड प्रॉफिट लॉस पे है। ये इसका जो भी प्रॉफिट होता है वो हम कैमल हेडर्स को देते हैं। बहुत बढ़िया, हमारे पास सेव नहीं करते इसके, इसके लिए इसका प्राइस कम ही है। और बिस्कुट है उसका, हाँ बिस्कुट है उसका भी 70 रुपये 100 ग्राम का है। इसमें भी अलग अलग फ्लेवर है, चॉकलेट है, शुगर फ्री है, कैशू है। अब ये देखिए चॉकलेट का है, बहुत ही शानदार बताया आपने। आप टेस्ट भी कर सकते हैं इसे। बिल्कुल टेस्ट भी करेंगे सर। तो बस जैसे कहीं भी इंडिया में कोई साबुन या बिस्कुट या मंगवाना चाहे तो हाँ आराम से मरुगंधा पे, या आप तो हमें हमारे हाँ नंबर है 950-950-8629 उस नंबर पे आप टेक्स्ट मैसेज करके आप उसे मंगवा सकते हैं या कॉल करके भी आप मंगवा सकते हैं। दूध है, कैमल मिल्क का बेस है, हाँ। और एलोवेरा जेल है इसका। और दूसरा कौन सा है? ये दूसरा पियर्स वाला है, पियर्स टाइप, मतलब इसके अंदर केवल एलोवेरा जेल है, कैमल मिल्क का दूध है। इसकी स्मेल भी लेंगे तो भी एक सामान्य स्मेल आएगी, ऐसा भी नहीं है कि जो किसी को लगता है कि अरे ऊंट में ऐसा बदबू आती होगी, वो ऐसा कुछ नहीं। जो ऑडियंस है उसका ध्यान रखा आपने, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि जनता जनार्दन है जी। बहुत बड़ी अच्छी बात बोली आपने। तो आपका टारगेट क्या है इसका ऊंट को लेके? हमारा टारगेट है कि जिस प्रकार से राजस्थान में ऊंट जो खत्म हो रहे हैं और उसके कारण से कई जो कैमल हर्डर्स हैं उनकी आय में कमी आ रही है और ऊँटों को संरक्षण नहीं मिल रहा है, उसको किस प्रकार से हम संरक्षित कर सके उसका एक हमारा एक छोटा सा प्रयास है। इसमें पूरे जनता का सहयोग भी चाहिएगा। पंकज जी आशा करते हैं कि ये जो आपने सोचा है कि जो किसान भाई है तो डेफिनेट वो सपना पूरा होगा। जरूर जरूर, बहुत धन्यवाद चैनल की तरफ से। धन्यवाद आपके चैनल का भी धन्यवाद है कि आपने इस राजस्थान के बहु प्रतीक्षित और राज के पशु के संरक्षण के लिए अपना योगदान दिया। आर फिल्म का धन्यवाद है जो ऊँटों के संरक्षण के लिए अपना इतना बड़ा प्रयास कर रहा है। ये उर्मू ट्रस्ट की ओर से छोटी सी
थैंक यू सो मच। और जिस प्रकार से जिस ब्रांड से पंकज जी ने हमारे को ये सोप दी है, साबुन दी है, तो डेफिनेट हम यूज़ करेंगे। लेकिन मैं भी एक एनिमल्स लवर्स हूँ, तो मेरा उद्देश्य है, मेरा चैनल का उद्देश्य है कि हम ऐसे जो लुप्त होते जा रहा है, विशेषकर जो ऊँट है लुप्त होता जा रहा है, जो हमारे राजस्थान की आन बान और शान है, और ये भी मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट आया है, तो डेफिनेट है कि मैं तो अपने आप को एक अलग ही फील कर रहा हूँ। और विशेषकर अब साबुन मिली है तो यूज़ करके और भी अच्छा फील होगा। तो दोस्तों आप भी यूज़ कीजिए, और इसके बेनिफिट्स आपको मालूम है, आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं कि जो ऊँटड़ी है उसके दूध के कितने बेनिफिट है। वैसे 36 प्रकार की बीमारी इससे ख़त्म होती है, और स्किन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है सॉल्व होती है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने ये कि किसान भाई के लिए अलग एक ड्रीम लेके आए, तो देखिए वो ड्रीम पूरा होगा। मेरा नाम पंकज केवलिया है, मैं उरमुल ट्रस्ट बीकानेर से हूँ। वर्तमान में हम लोग पश्चिमी राजस्थान के अंदर कैमल को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसके नवाचार के रूप में हम लोगों ने राजस्थान की पहली कैमल मिल्क की डेयरी जो है पोखरण में एस्टेब्लिश की है, और जिसके मार्फत हम लोग लोगों के लिए आम सुविधा जो कैमल मिल्क जो लोगों की बहुत डिमांड है, ज़रूरत है, जो मिल नहीं पाता है, क्योंकि किंतु उसके दूध की उपलब्धता नहीं है। इसको सुगम बनाने के लिए उर्मूल ने SDFC बैंक परिवर्तन के साथ में एक प्रोजेक्ट किया, जिसके अंतर्गत कैमल मिल यूनिट एस्टेब्लिश की। उसी के साथ हम लोगों ने इसमें नए इनोवेशन के रूप में, जैसा आपने नहीं सुना होगा, कैमल मिल बेस्ड सॉप, जिस प्रकार अभी वर्तमान में सारा दुनिया, सारा संसार कैमल केमिकल से परेशान है, उसको निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने एक कैमल मिल्क सॉप बनाया है, जो प्योर बिना किसी केमिकल के प्रिजर्वेटिव के साथ में उपलब्ध है। और उसी के साथ में जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए कैमल मिल्क बिस्किट और दूध के पाउचेज अवेलेबल हैं।